देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़कर 1,43,449 हो गई, जो कि कल की तुलना में 2,689 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,528 नए मामले सामने आए और 17,790 लोग स्वस्थ भी हुए। इस दौरान 49 मरीजों की जान भी चली गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,709 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 491 नए मामले सामने और 2 लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान 605 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस भी लौटे। संक्रमण दर की अगर बात करें तो 3.48% दर्ज की गई। राज्य में 1,804 लोग अभी भी बीमार हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और भीड़ वाली जगहों पर कम जाने की सलाह दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 282 नए मामले सामने आए। वहीं इसी दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुंबई में अब तक कोरोना के 11,19,897 नए मामले के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 19,630 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,382 नए मामले सामने आए और 8 मरीजों की मौत हो गई।